कहता वही जो हमने कही। स्वागत है आपका डिजाइन न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के अधिकारों को लेकर जारी अध्यादेश के खिलाफ खींचतान जारी है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी से सीएम केजरीवाल ने इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए समर्थन मांगा है। इस मुलाकात के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आतिशी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के तबादले का आदेश दिल्ली सरकार को दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने वापस अध्यादेश लाकर पलट दिया था। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि 2015 में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से सख्ती छीनी थी, हमारी पावर को कम कर दिया था। दिल्ली के लोगों ने 8 साल संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिल्ली सरकार को अधिकार दिया, जिसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वापस पलट दिया। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती है वहां विधायकों को खरीदकर सरकार बनाने की कोशिश की जाती है, और जहां बीजेपी विधायकों को खरीद नहीं पाती है वहां ईडी सीबीआई को भेजकर विधायकों को डराया जाता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में अध्यादेश को रोकना होगा, अगर अध्यादेश रोक दिया तो ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश लेकर ममता बनर्जी ने भी कहा कि टीएमसी इस अध्यादेश का विरोध करेगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर सभी दल साथ आकर राज्यसभा में इस अध्यादेश के खिलाफ वोट करें। आपको बता दें कि इस अध्यादेश के खिलाफ पूर्व में सीएम केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने का आश्वासन दिया है। अगली खबर सामने आ रही है, नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार को लेकर एक और जहां विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। अमित शाह बोले, पीएम मोदी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर पीएम सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। गृह मंत्री ने कहा, उद्घाटन समारोह में एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी, जिसके पीछे युगों से जुड़ी परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब संपदा में संपन्न होता है। अमित शाह बोले, 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी, इसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। सिंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी, ये सिंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई, फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण का दिन चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह से इस दौरान हमने सवाल पूछा कि पीएम के उद्घाटन करने पर विपक्ष बहिष्कार कर रहा है, जब आप इसे वैधिक तरीके से स्थापित करेंगे तो क्या होगा। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा, राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए, एक बड़ी भावनात्मक प्रक्रिया है पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह चलती है, सब अपनी सोचने की क्षमताओं के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। उन्होंने कहा, हमने सबको बुलाया है। अगली खबर सामने आ रही है, G20 समिट कश्मीर में लगा, 17 ताकतवर देशों का मेला, पाकिस्तान रह गया अकेला, चीन की धौंस भी नहीं आई काम। जानते हैं पूरी खबर। कश्मीर आग अलापने वाले पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए भारत ने एक बेहद शानदार दांव चला, जो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। G20 सम्मेलन के तहत भारत ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। भारत के इस दांव से चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान ने पहले ही बैठक के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की, फिर कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडा को दूसरे देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिले, लेकिन पड़ोसी देश खाली हाथ ही रह गया। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। चीन ने मीटिंग में टांग अड़ाने की कोशिश भी की थी।
ड्रैगन ने कहा था कि वह किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। चीन के अलावा सिर्फ दो देश तुर्की और सऊदी अरब ने हिचकिचाहट दिखाई। इन चंद देशों को छोड़े तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देशों ने इस बैठक में शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई। यहां से 60 डेलीगेट्स भारत पहुंचे। श्रीनगर में हो रही G20 की यह बैठक कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा आयोजन है। इस बैठक में वर्किंग ग्रुप की पहली दो मीटिंग के मुकाबले सबसे ज्यादा देश आ रहे हैं। इस मीटिंग को दुनिया भर से मिला समर्थन भारत की मजबूत होती स्थिति को दर्शाता है। कश्मीर में हो रही यह बैठक कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष कमजोर होगा और कश्मीर पर भारत के फैसले को मान्यता मिलेगी। इसके अलावा दुनिया कश्मीर के सामान्य होते हालात की झलक भी देख सकेगी। अगली खबर सामने आ रही है, गैंगस्टर जनरैल सिंह की हत्या का सीसीटीवी वीडियो वायरल, 4 बदमाशों ने चलाई 20-25 गोलियां। जानते हैं पूरी खबर। पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टर जनरैल सिंह की हत्या कर दी गई। अमृतसर के गोपी घनश्याम पुरिया ग्रुप से जुड़े गैंग के सदस्यों ने जनरैल सिंह पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी। खबर है कि बदमाशों ने जनरैल पर 20-25 गोलियां चलाई। बदमाश स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे और जनरैल सिंह को मारकर चारों फरार हो गए। इस वारदात के समय जनरैल सिंह अपने घर पर ही मौजूद थे। पंजाब पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस वारदात पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें नकाबपोश लोग गोलियां बरसाते हुए दिख रहे हैं। हमलावरों से बचने के लिए जनरल सिंह एक दुकान में घुस जाता है। हमलावर भी उसके पीछे दुकान में घुस जाते और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती गोलीबारी करते रहते हैं। अगली खबर सामने आ रही है, हिंदू मंदिरों पर हमले बर्दाश्त नहीं, अलगाववादियों पर भारी पड़ेगी पीएम मोदी और अल्बनीज की दोस्ती। जानते हैं पूरी खबर। अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात और व्यापक बातचीत की। दोनों नेताओं में रिन्यूएबल एनर्जी, व्यापार और रक्षा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर लंबी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि दोनों नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री अल्बनीज और मैंने पहले भी ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के मुद्दे पर चर्चा की। हमने आज भी इस मामले पर चर्चा की है। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने उन्हें इस तरह की तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने कहा, हम ऐसे किसी भी तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे जो भारत ऑस्ट्रेलिया के मैत्रीपूर्ण और मजबूत संबंधों को अपनी गतिविधियों या विचारों से नुकसान पहुंचाता है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आज मुझे एक बार फिर आश्वासन दिया कि वह भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के हिंदू मंदिरों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन से पहले अल्बनीज ने उन्हें बॉस कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय उपलब्धियां गिनाई और भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों को देश का कल्चरल एम्बेसडर बताया। अगली खबर सामने आ रही है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च जंतर मंतर से इंडिया गेट तक निकाला गया। इस मार्च में खाप प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इंडिया गेट पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत भी कैंडल मार्च में मौजूद रहे। इस दौरान पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारी बहनों का सम्मान हमारे लिए जान से भी बढ़कर है। जब तक देश के बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत से लोग इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहें। उन्होंने कहा, ये सवाल भारत से प्यार करने वाले उन सभी धर्मों व जातियों के लोगों को सरकार से पूछना चाहिए कि एक महीने से हमारे चैंपियन सड़क पर क्यों है। पहलवानों के प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने हमारे डिजाइन न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार सही होती तो बृजभूषण सिंह जेल में होते।
देश के कई नामी पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 23 अप्रैल से जहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। सिंह पर एक नाबालिग समेत 6 महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ पिछले महीने 2 प्राथमिकियां दर्ज की थी। बीते रविवार को हरियाणा के रोहतक में पहलवानों के समर्थन में खाप महापंचायत भी हुई थी, जिसने फैसला किया था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध का समर्थन करने वाली महिलाएं 28 मई को नए संसद भवन के सामने एक पंचायत रखेगी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे।